हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। जैसे ही नया एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है, आप लोगों तक सूचना वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है। NCERT की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, इसके अलावा भी जो है कई वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट में। नोटिफिकेशन में चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कैसे आवेदन करना है, आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी चीज़ें, कोई परीक्षा नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है, जो कि विज्ञापन जारी किया गया है 10 मई को, और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यदि आपका सब्जेक्ट है तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, सारी चीज़ें समझें, सारा प्रोसेस समझें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है, अकाउंटेंसी में एक पोस्ट है, हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, PGT के लिए 40 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सैलरी जो है 27,500 पर मंथ सैलरी NCERT की तरफ से रहेगी। कैसे आवेदन करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जो है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में, इसमें सैलरी जो है 25,500 पर मंथ और 30 ईयर जो है इसमें एज लिमिट रहेगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में सब्जेक्ट देखें, मैथमेटिक्स साइंस में दो पोस्ट हैं, कनाडा में एक पोस्ट है, सोशल साइंस की एक पोस्ट है, संस्कृत की एक पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में एक पोस्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में एक पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे अपने सब्जेक्ट में, तो सैलरी जो है पर मंथ 26,250 रहेगी और इसमें एज लिमिट जो है 35 ईयर रखी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है योगा टीचर की वैकेंसी है एक, इसमें सैलरी 26,250 है, एज लिमिट 35 ईयर है। क्वालिफिकेशन अभी हम चेक करेंगे, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें एक पोस्ट है, 26,250 सैलरी, 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस में दो पोस्ट हैं, इसमें भी सैलरी 26,250 और एज लिमिट 35 ईयर। डांस टीचर की एक वैकेंसी है, तो डांस में अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है वैकेंसीज में जारी की गई हैं। डांस टीचर की भी एक पोस्ट है, ड्रामा टीचर की वैकेंसी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की वैकेंसी है, वुड वर्क की एक पोस्ट है। प्राइमरी टीचर्स में जो है दो पोस्ट हैं, जिसमें डीएड वाले, BTC, बीएड वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स में सैलरी जो है 21,250 और 30 ईयर जो है इसमें एज लिमिट है। लैब असिस्टेंट की जो है तीन पोस्ट हैं, फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक और जूलॉजी में एक है। इसमें सैलरी 25,500 पर मंथ और एज लिमिट 30 ईयर। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की एक पोस्ट है, जिसमें 29,200 पर मंथ सैलरी है और इसमें 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पोस्ट, सब्जेक्ट, सैलरी और एज आप लोगों को बता दी है। वैकेंसी जो है NCERT की तरफ से, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, यहां से वैकेंसी है NCERT की तरफ से। यहां पर जो है हर साल वैकेंसी आती रहती है। इसमें नीचे आएंगे तो 10 मई वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024-25 ये आपको नजर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा नहीं है, सीधे इंटरव्यू के लिए चले जाना है, आवेदन भी नहीं करना है। इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जो है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है तो उसे डाउनलोड करके फिल करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ में पहुंचना होगा दिए गए डेट एंड टाइम पर। तो इसमें जो है PGT के टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो समय अलग है, डेट सेम है, 20 मई 2024 को PGT टीचर्स मैथ्स के लिए 10 बजे पहुंचना है, कॉमर्स के लिए 11 बजे, हिंदी के लिए 12 बजे, इंग्लिश के लिए 2 बजे, साइंस के लिए 3 बजे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए 4 बजे। इंटरव्यू की डेट है ये। लैब असिस्टेंट में भी जो है 20 मई को ही कंप्यूटर साइंस 5 बजे होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का जो इंटरव्यू रहेगा 21 मई को होगा, मैथ्स का 10 बजे, साइंस का 11 बजे, कनाडा का
सब्जेक्ट का 12 बजे, 2 बजे सोशल साइंस सब्जेक्ट का, संस्कृत का 3 बजे, फिजिकल एजुकेशन टीचर का 4 बजे, हिंदी का 5 बजे। 22 मई को योगा टीचर का 10 बजे इंटरव्यू है, होम साइंस का 11 बजे इंटरव्यू है 22 मई को ही, कंप्यूटर साइंस 12 बजे, डांस टीचर 2 बजे, ड्रामा टीचर 3 बजे, उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग में 4 बजे, वुडवर्क 5 बजे। 24 मई को प्राइमरी टीचर्स को 10 बजे इंटरव्यू रहेगा, तो तैयार रहें, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, पहले ही आपको लोगों को बता रही हूँ। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में 24 मई को 11:30 बजे पहुंचना है, फिजिक्स वालों को, केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को 2 बजे और 3 बजे जूलॉजी। उसके बाद जो है 24 मई को ही जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में 4 बजे इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी जो है एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा में छूट एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग रहेगी, तो कोई भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को अपने बायोडाटा और अपने एजुकेशनल जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी के साथ में दिए गए डेट एंड टाइम पर पहुंचना है। ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 1 ईयर के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में रहता है, नवोदय विद्यालय में रहता है, इसी तरीके से, ठीक है। और अगर आपका काम अच्छा रहता है तो नेक्स्ट ईयर फिर जो है आप लोगों को जैसे ही पता लगता है इंटरव्यू दोबारा से देके और उसी पोस्ट पर जो है वो आप रह सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो है काम करने का अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का। आप कहीं पर भी जाएंगे और जैसे ही उनको पता चलेगा कि आपके पास अनुभव है एनसीईआरटी में काम करने का, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अभी जो है दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन जो है मैंने आप लोगों को नहीं बताई। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका सब्जेक्ट में होना है 50% मार्क्स के साथ में, बीएड आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जो है वो पढ़ाना होगा। और उसके बाद जो है टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो स्नातक में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, साथ में बीएड होना चाहिए और टेट भी क्वालिफाई अगर हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। बाकी टेट क्वालिफाई नहीं भी हैं तो भी आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कैंडिडेट क्लियर्ड टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिनका टेट क्लियर है तो उनको प्राथमिकता देंगे, बाकी जिनके पास नहीं है वो भी इंटरव्यू के लिए तो जा ही सकते हैं। योगा टीचर के लिए 1 ईयर ट्रेनिंग योगा में ग्रेजुएशन के साथ में, होम साइंस के लिए बीएससी होम साइंस में बीएड भी जो है आपका होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जो है बीसीए बीई बीटेक बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, डांस टीचर में डांस में जो है आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो, इसी तरीके से ड्रामा में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में, वुडवर्क जो है इसमें देखें आप डिप्लोमा इन एडवांस वुडवर्किंग और डिप्लोमा इन कारपेंट्री या एनी डिप्लोमा या बैचलर कोर्स रिलेटेड टू वुडवर्क तो अप्लाई करें। प्राइमरी टीचर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th 50% मार्क्स के साथ में या ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, आपने डीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन हैं। लैब असिस्टेंट के लिए बीएससी पीसीएम और बीएससी सीवीजेड में, ठीक है, या फिर आप बैचलर डिग्री इन द रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स आपने बैचलर डिग्री की हो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में। लास्ट लाइब्रेरी के लिए बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएट विद लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में या वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू अटेंड द इंटरव्यू इन द रेस्पेक्टिव पोस्ट एज पर शेड्यूल डेट एंड टाइम, शुड विजिट द इंस्टीट्यूट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो समय बताया गया उससे 1 घंटा पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। और कहाँ पर पहुंचना है ये आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके जितने भी है 10th के बाद के जितने भी हायर क्वालिफिकेशन है उसकी जो है फोटोकॉपी और ओरिजिनल जरूर लेके जाना है आपको।
आप चलिए कहाँ पर पहुँचना है आप लोगों को, तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखें एड्रेस, प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल NCERT, माना सागन गोत्री, मैसूर, कर्नाटका। ये वैकेंसी कर्नाटका की है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट किसी भी राज्य के आप हैं, अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।